मध्य प्रदेश के भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जैन गुरुकुल के बच्चों के साथ रामधुन का आयोजन किया। इस मौके पर राम दरबार के पास घंटों भजन कीर्तन हुए। इक्कीस तारीख को मंदिर को दिव्य रूप में सजाया जाएगा, भगवान राम को साफा बांधा जाएगा, माँ जानकी को साफा बांधेंगे, लखन लाल जी को साफा बांधेंगे और मंदिर को दिव्य रूप से सजाकर 25 फीट की रंगोली लगाई जाएगी, उसमें दीप मालिकाएं लगाई जाएंगी, आतिशबाजी होगी। वो दिव्य क्षण जब आएगा तो हमारे जीवन का एक धन्य समय होगा, उसके बाद हम लोगों को जो अनुभूति होगी वो हम प्रकट नहीं कर पाएंगे। कार्यक्रम में आए जैन गुरुकुल के बच्चे अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित दिखे। पांच सौ साल से जो कई क्रांतिवीर जो प्रयास कर रहे थे कि राम लला को उस मंदिर अपने जो उनकी जगह है वहां पे बैठा ला जाए, वो आज पूर्ण हो रहा है, तो उसका उत्साह तो इधर पूरे मतलब भोपाल में नहीं पूरे भारत में झलक रहा है और विश्व में झलक रहा है, क्योंकि हमारे राम लला जो है अपने गर्भगृह में आ रहे हैं। हमारे राम लला जी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, हमको बहुत शुभ दिन का अवसर है ये। यहाँ सभी भारतवर्ष में राम राम की धुन चल रही है, पाठ हो रहे हैं, सुंदरकांड हो रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, राम राम ध्वज की कीर्तन हो रही, भजन संध्या हो रहे हैं, भगवान राम लला विराजमान हो रहे हैं अपने अयोध्या धाम में। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है।